अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान सैयद शहरयार आसिम। आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन ICC वर्ल्ड T20 कुछ क्रिकेट हो जाए। आज इंडिया और आयरलैंड के दरमियान मैच हुआ और इंडिया ने टॉस जीतने के बाद पहले बॉलिंग का फैसला किया। आयरलैंड 96 पर ऑल आउट, इंडिया ने 97 रन पर दो खिलाड़ियों के नुकसान पर यह मैच अपने नाम करा लिया है और 8 विकेटों से इंडिया ये मैच जीत गया है। नसीम भाई, आज की जो पिच थी वो भी बड़ी अनइवन टाइप की पिच थी और इंडिया ने जो पहला मैच खेला आयरलैंड से उसमें बहुत बुरी तरह जो है वो आयरलैंड को शिकस्त दी है। क्या कहेंगे इस मैच के बारे में? देखिए, इंडियन टीम को शिकस्त देनी चाहिए थी, वो फेवरेट थे, उनके लिए आयरलैंड को इतना मसला नहीं था, लेकिन मसला इस वक्त सबसे बड़ा न्यूयॉर्क की पिच है। देखिए, आज भी रोहित शर्मा रिटायर्ड हर्ट होकर गए। आपसे जब हम पहला दिन हमने मैच देखा था तो हमने देखने के बाद कहा था कि इस पिच के ऊपर अल्लाह करे कि खिलाड़ी सही सलामत जो है वो वेस्ट इंडीज़ चले जाएं, क्योंकि हारिस रऊफ जैसा पेस तो किसी का भी नहीं है। अगर हारिस रऊफ का कोई गेंद भी अन इवन हुआ, और जिस तरीके से हम देख रहे हैं गेंद गुड लेंथ से उठ जाता है, यहाँ पे कितने रोशन पंत ने गेंद खाई है, कितनी गेंदें आयरिश प्लेयर्स ने खाई हैं, श्रीलंका की टीम 77 पे आउट हो रही है, वो टारगेट चेस कर रहे हैं तो 17 ओवर में 77 रन जाके बना रहे हैं। मकसद है कि मॉडर्न डे क्रिकेट में जो T20 क्रिकेट हो रही है उससे तो बिल्कुल ही हट गए हम लोग। न्यूयॉर्क में जाने के बाद, अमेरिका में जाने के बाद इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने ऐसा लगा कि बिल्कुल भी तवज्जो नहीं दी। देखें शरीफ भाई, ये ICC का इवेंट था, ICC को आउटफील्ड कैसी है, पिच की कंडीशन कैसी है, इसको बार बार जाके जज करना चाहिए था। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे यहाँ पर ठंडे कमरों में बैठ के काम करने के आदी हैं, ऐसे ही लोग ICC में भी बैठे हुए हैं, क्योंकि उनको इससे गर्ज नहीं दिखाई दी। उन्हें गर्ज ये दिखाई थी इंडिया पाकिस्तान मैच से पैसा कितना कमाया जाएगा। न्यूयॉर्क नया वेन्यू है, इतने लोग वहाँ पे बसते हैं, टिकट की कीमत डॉलर्स के अंदर होगी, रुपये में नहीं होगी। आपने बहुत सारी चीज़ें तो सोच ली, लेकिन क्या आपने इन खिलाड़ियों की सेफ्टी के बारे में सोचा? इन अगर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, देखें ये जो दोनों जानिब से फास्ट बॉलिंग खेलेगी पाकिस्तान और इंडिया से न्यूयॉर्क में, फिर सबसे बड़ी चीज़ ये कि आपने हर तरह का एज जो है वो इंडिया को दे दिया। इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल ने तो जैसे अंधेर नगरी मचाई हुई है इंडियन टीम। अच्छा, लेकिन इंडिया की जो साबिका इंडियन खिलाड़ी हैं, इंडियन मीडिया है, संजय मंजेकर की बात कर ले हम, अर्षला भोगले की बात कर ले, और भी दूसरे हैं, वो तो पाकिस्तान इंडिया के मैच को लेकर बड़ा रोना धोना डाल रहे हैं और वो भी इसके ऊपर भी बात कर रहे हैं, पिच के ऊपर भी बात कर रहे हैं। वो पिच की वजह से ही रोना धोना डाल रहे हैं कि पाकिस्तान के 4 पेसर्स को कैसे खेलेंगे आप। देखें, मैं हारिस रऊफ का खास तौर पर नाम इसलिए ले रहा हूँ, हारिस इन सब में तेज़ है। हारिस का पेस बाउंस खुदा ना खास्ता किसी को भी, भाई अगर अल्लाह ना करे रोहित शर्मा को बॉल लग जाए या विराट कोहली को बॉल लग जाए, वर्ल्ड कप खराब होगा। और ये अंधिया तो पहले से आप दे रहे हैं और सब दे रहे हैं कि ये खुदा सारी दुनिया इन्हें देखना चाहिए। फिर ICC ने ये नहीं किया, फिर ICC ने इंडिया को, जरा देखें तो सही ना, इंडिया को कितना बड़ा एज दे दिया आपने पाकिस्तान के खिलाफ मैच के लिए। इंडियन टीम उतरती न्यूयॉर्क में, इंडियन टीम अपना वार्म अप मैच न्यूयॉर्क में खेलती है उसी ग्राउंड के अंदर, इंडियन टीम अपना पहला मैच उसी ग्राउंड के अंदर खेलती है, इंडियन टीम का जो प्रैक्टिस एरिया है वो होटल से बिल्कुल सबसे ज़्यादा नज़दीक है, बाकी सब डेढ़ डेढ़ घंटे की ड्राइव के ऊपर प्रैक्टिस करने के लिए जा रहे। मकसद है कल ये ना हो, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल जिस तरीके से भारत नवाज बनी हुई है, कल ये ना हो कि वो भारतीय टीम जो है वो सामने वाली टीम सेलेक्ट कर रही हो। जी, ऑस्ट्रेलिया से आज डेविड वार्नर नहीं खेलने चाहिए मैच के अंदर, या सामने वाली टीम 10 खिलाड़ियों से खेलेगी। ये आप बात सही कह रहे हैं, क्या कर रहे हैं भाई, वो दिन दूर नहीं है जो इस तरह की सिचुएशन चल रही है कि कल को फिर इंडिया ही जो है वो टीम सेलेक्ट कर रहा होगा, ये प्लेयर यहाँ खड़ा होगा, इसने थोड़ा सा आगे आना है और इसने मुझे इसी हाथ पे बॉल करानी है, इस हाथ पे नहीं करानी। एमन हमारे साथ मौजूद है। एमन, ये जो इस वक्त पिच की बात हो रही है, और ये पहले भी अंधिया दिया गया था, पहले भी इस पे बात हुई थी कि कोई प्लेयर इंजर्ड ना हो जाए, रोहित शर्मा आज इंजर्ड हुए, गो के उस तरह की इंजरी नहीं है और अल्लाह ना करे हो भी, ज़ाहिर है अच्छे खिलाड़ी हैं। आप क्या समझती हैं कितना खतरनाक हो सकता है, और ये जो इंडियन मीडिया, इंडियन साबिका खिलाड़ी ये अभी से रोना धोना डाल रहे हैं कि जी पाकिस्तानी बॉलर्स ये वो, उसी वजह डाल रहे हैं, उन्हें पता है कि पिच पे कोई कारनामा ना हो जाए। नहीं, बिल्कुल, जैसे ही आज रोहित शर्मा को बॉल लगी तो मुझे हमारे वही अर्ली शोज़ में नसीम भाई की वही बात याद आई कि खुदा ना खास्ता कोई इंजरी ना हो जाए। मैं पहले दिन बोली थी, याद है आपको, जिस दिन मैच हुआ था, और मैं यही सोच रही थी कि ऑब्वियसली हम चाहते हैं कि ये मैच जो होना चाहिए, ये हमारी मतलब इतनी प्रिपरेशन है इसके लिए, ये पिच की नज़र नहीं हो जाना चाहिए। नसीम भाई ने हारिस रऊफ की बात की और मुझे सबसे ज़्यादा डर जो लग रहा है वो नसीम शाह से लग रहा है, क्योंकि नसीम शाह न्यू बॉल करते हैं और उनका जो बॉल होता है उसमें स्विंग भी बहुत ज़्यादा होता है। मेलबर्न में उन्होंने जो स्पेल किया था, उन्होंने गुड विकेट, उनको ब्लट तक खेल नहीं पाए थे, तो अगर
तरह की विकेट्स पे सीम बॉलिंग होगी तो वो आपके लिए बहुत ख़तरनाक होगी। आज आयरलैंड के प्लेयर्स को बहुत ज़्यादा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने इतनी डिफिकल्ट विकेट पे खेला और उनको बॉल्स इतनी ज़्यादा लगी, वो पेन किलर्स खा के खेल रहे थे। तो ऐसा थोड़ा सा मयार आईसीसी ने थोड़ा सा अपना लो किया है, न्यू स्टेडियम्स हैं, लेकिन जो भी है इतनी प्रिपरेशन है। ड्रॉप इन विकेट्स, आप आउट करने की बात कर रही हैं, मैं अल्लाह ना करे टूर्नामेंट से आउट होने की बात कर रहा हूँ। ये बहुत बड़ा फर्क है दोनों में, देखे ना, जगह से गेंद करो तो और प्लेयर बने हुए। कोई भी टीम का प्लेयर हो, जाहिर है अल्लाह ना करे, हम ये नहीं चाहते शायद इंडिया का हो, पाकिस्तान का हो, कोई भी हो, कि वो इंजर्ड हो जाए और वो भी सिर्फ पिच की वजह से, ये कोई भी नहीं चाहते। लेकिन बहरहाल आईसीसी को सलाम है, एक दफा फिर आईसीसी को सलाम है कि पता नहीं क्या सोच के फैसले करते हैं। बाबर आजम की प्रेस कॉन्फ्रेंस बाबर आजम ने की थी, आइए आपको चल के वो दिखाते हैं। जी ये थे बाबर आजम। नसीम भाई थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ बाबर आजम की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद। इन्होंने ये कहा कि जी कुछ चीज़ें हमारे हाथ में नहीं होती, बिल्कुल वेदर इनके हाथ में नहीं है, ये तो अब्बास अफरीदी ने भी कहा था कि वेदर हमारे हाथ में नहीं, लेकिन जो चीज़ें इनके हाथ में हैं, ये कह रहे हैं कि जी साइम अयूब बदकिस्मती से परफॉर्मेंस नहीं कर सक रहे, ठीक है, लेकिन शादाब भी परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे और इनको शादाब पर फिर भी भरोसा है। ये थोड़ा सा मैं कन्फ्यूज़ हो रहा हूँ कि ऐसी क्या बात है शादाब में कि जब वो परफॉर्मेंस नहीं कर पा रहे लेकिन इनको भरोसा है कि एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, ऐसा क्यों है? एक दिन मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये वाकई बाबर ने जहन में बसाया हुआ, अल्लाह करे वो करण अर्जुन आ जाएं बाबर के। इसकी वजह यह है कि आपके पास ऑप्शंस तो ज़्यादा है नहीं। अब अम्माद वसीम को क्या आप अनफिट लेकर गए? आप अम्माद तो आयरलैंड के बाद से इंग्लैंड में खेले ही नहीं। अच्छा, तो इमाद वाली बात भी आऊंगा, इस पर भी एक कंफ्यूजन है, इस पर पहले मैं चाह रहा हूँ कि जरा आप बताएं। देखिए शादाब को उतना क्यों है भाई? देखिए शादाब से जब सवाल किया तो बाबर का लहजा, जब वो जवाब दे रहे थे, किसी ने मेरे ख्याल जरा सी बात साथी को गुस्से से रोका है इन्होंने, जो उनका एटीट्यूड, जो उनकी टोन थी, ऐसा लग रहा है कि उन्होंने शादाब को जाती मसला बना लिया है, ऐसा लग रहा है कि उसको उन्होंने अपनी जात से जोड़ लिया है, अना का मसला बना लिया है। भाई आप सबको एक आंख से देखें, आप इसी इंटरव्यू के अंदर ये बात कह रहे हैं कि मुझे अपने प्लेयर्स पे बहुत भरोसा है और शादाब पे बहुत ज़्यादा भरोसा है। मकसद है कि आपको शादाब पे ज़्यादा भरोसा दिखाई दे रहा है, उस खिलाड़ी के ऊपर भरोसा कि, और अल्लाह करे कि हम सब भरोसा कर रहे हैं। अच्छा, मैं फिर कह रहा हूं, लेकिन ये नुकसानात तो हम पिछले, अगर हम देखते हैं, हमने वर्ल्ड कप में ओडीआई में भी ये नुकसानात उठाए थे, उसके अलावा जो पहले भी और सीजन्स हुए उसमें भी हम ये देखते हैं कि ये इस चक्कर में कि इसको पहले भेजना है, इसको नहीं भेजना, हमने नुकसान उठाए। आज फिर यही बैठ के ये बातें कर रहे हैं कि जी मुझे तो बड़ा भरोसा है, तो ये तो फिर गलत एक चीज़ हो गई ना कि और प्लेयर्स बाकी फिर कहाँ जाएंगे। शरीफ भाई आपको याद होगा एशिया कप से पहले कह रहे थे मुझे 16 पता है, मुझे पता है कौन से होंगे। आप मकसद एशिया कप में इतने ओवर कॉन्फिडेंट आप जा रहे थे, 300 कुछ रन से इंडिया ने आपको फड़का दिया मैच। आप वर्ल्ड कप के अंदर गए तो आपको प्रॉब्लम हुई, आपके वो 16 कहाँ गए? 16 में से आप अकेले, आपका चेहरा था, आप एक जगह खड़े हुए थे, बाकी सब एक जगह पे खड़े हुए थे। ये पाकिस्तान क्रिकेट है, बाबर आजम को समझने की ज़रूरत है। अगर आप किसी को आउट ऑफ वे जाके फेवर देंगे, और आप ऐसा लग रहा है ना कि जैसे मैंने आपको बात कही कि आप अपनी ज़ात का मसला बना के बैठ गए बाबर आजम शादाब को, कि आप उसको जिस टोन में मना कर रहे थे मेरे ख्याल है कि, और दूसरी चीज़ ये कि मैं शरीफ साफ ही होगा कोई, मैं खुद नसीम भाई जैसा नहीं था कोई, मैं आपको रोकता गुस्से से, आप सुनते। देखिए मेरे ख्याल में उस सहाफ़ी की गलती यहाँ पर ज़रूर थी कि अगर वो एक जवाब दे रहे थे तो बीच में नहीं बोलना चाहिए था, लेकिन हो सकता है कि वो सहाफ़ी ये कह रहे हो कि बाबर अगर ये सवाल हुआ है ना इसमें थोड़ा सा ये भी ऐड कर लें और आप बता दें, तो ऐसा हो भी जाता है प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बाबर इसको भी ऐड कर लीजिएगा। मिसाल के तौर पे वो कह रहे हैं शादाब से बॉलिंग नहीं हो रही, तो फिर वो उसने कहा ये भी बता दीजिएगा बाबर को, शादाब को 4 नंबर पर खिला रहे तो इसको भी क्लियर कर दीजिएगा। लेकिन जिस अंदाज से बाबर ने जो है वो जिस टोन से रोका है, इसका मकसद है कि वो इसको बहुत पर्सनलाइज ले चुके, बहुत ज़्यादा जो है वो इसको अपने दिमाग पे ले चुके हैं शादाब की परफॉर्मेंस। बाबर आप जिनको बैक कर रहे हैं उन्होंने अब तक परफॉर्म नहीं किया, आपने ज़्यादा परफॉर्म बैक किया सही मायने में को किया। ये चीज़ जो है ना ये बड़ी ख़तरनाक होती है पाकिस्तान टीम के लिए। माजी में अगर हम जाते हैं तो माजी में हम बहुत सारे ऐसे नुकसान देख चुके हैं जो आपके इसी चक्कर में चले गए, मुझे 16 पता है, मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। ओ भाई खुदा का वास्ता इस चीज़ से थोड़ा सा बाहर आएँ, जो परफॉर्म कर रहा है उसे आगे लाए जाएँ, भरोसा सिर्फ अल्लाह की दाद से रखें और जो प्लेयर अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको चांस दें। वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होता हूँ। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन और अकील अहमद ने शायकीन क्रिकेट से कुछ बात की है, आइए चल के आपको दिखाते हैं। T20 वर्ल्ड कप में पाकिस्तान अपने पहले मैच में मेज़बान अमेरिका के खिलाफ कल टकराएगा। पाकिस्तान टीम की तैयारियां बारिश की वजह से मुतासर हो रही हैं, पहले दो सेशन जो हैं वो बुरी तरह मुतासर हुए हैं।
आज भी क्योंकि पाकिस्तान का प्रैक्टिस सेशन है, लेकिन रात गए यहाँ पर बहुत तेज़ बारिश हुई जिसकी वजह से ग्राउंड जो है वो आज फिर मुतासर हो सकता है, जिसकी वजह से ट्रेनिंग सेशन में भी खलल आ सकता है। जहाँ तक बात है पाकिस्तान टीम की इस हवाले से, क्योंकि इंग्लैंड में भी पाकिस्तान की जो 4 मैचेस की सीरीज थी वो बारिश के 2 मैच नज़र हुए और 2 मैच में पाकिस्तान शिकस्त खा गया। इस वजह से आप कह सकते हैं कि बारिश जो है वो पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा ख़तरा बनी हुई है। लेकिन क्योंकि कल मैच खेला जाना है और महकमा मौसमियात के मुताबिक यहाँ पर कल मौसम जो है वो बिल्कुल खुशगवार होगा और धूप निकलेगी। आज भी जो है आसमान पर सूरज और जो बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है, लेकिन क्योंकि महकमा मौसमियात की प्रेडिक्शन तो यही है, लेकिन यहाँ का डैलस का मौसम भी बिल्कुल यूरोप और यूके से ममासलत रखता है। यहाँ कुछ नहीं कहा जा सकता कि किसी वक्त भी बारिश हो जाती है और किसी वक्त भी जो धूप निकल आती है। कभी इम्कान तो यही है कि कल बारिश नहीं होगी और मैच बड़ा कांटेदार होगा, क्योंकि मेज़बान अमेरिका जो है वो कैनेडा के खिलाफ शिकस्त में फतह हासिल कर चुका है, जबकि पाकिस्तान अपना पहला मैच जो है वो अमेरिका के खिलाफ खेलेगा और इसमें पाकिस्तान को लिए फतह बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसमें कामयाबी की सूरत में पाकिस्तान न्यूयॉर्क में रवायती हरीफ भारत के खिलाफ बुलंद हौसलों के साथ टकराएगा। जी नाज़रीन, ये थे हमारे नुमाइंदे अकील अहमद और ये अपडेट दे रहे थे कल के मैच के हवाले से। और ये बात तो है कि जो उस वक्त इन्होंने बताया अमेरिका में बादल और जो वो है वो आँख मचोली खेल रहे हैं, और ये कुछ बारिश जो है ना ये कुछ हमारे पीछे भी लगी रहती है जब हमारे मैच होते हैं, बारिश होते हैं तो कल तो बिल्कुल भी अल्लाह ना करे कुछ ऐसा हो। एमन अमाद वसीम पर बात हो रही थी ब्रेक से पहले कि वो ज़ाहिर पसली के दर्द की वजह से जो है वो अब ज़ाहिर बाहर हो गए। सवाल ये पैदा होता है कि जब उनको ये इंजरी थी, जब कोई टेस्ट होता है तो उसमें पता चल जाता है कि इंजरी है, जब वो अनफिट थे तो फिर इन्हें लेके क्यों गए, उनकी जगह किसी ऐसे बंदे को क्यों नहीं ले गए जो फिट था? देखिए, पहली चीज़ तो ये बहुत अनफॉर्चुनेट है पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मुझे लगता है कि हमारे इस पूरे स्क्वाड में अगर कोई कंप्लीट ऑलराउंडर था तो वो इमाद वसीम ही था। इसके अलावा हमारे पास मुझे नहीं लगता कि कोई ऑलराउंडर है। बट फिटनेस की जहाँ तक बात करें तो वो काकुल कैंप का पार्ट थे और काकुल कैंप में जो ट्रेनिंग हमारे सामने आई है वो कोई भी अनफिट प्लेयर नहीं कर सकता। बहुत टफ सेशन उनके वहाँ पर हो रहे थे और यकीनन उन्होंने वहाँ पर फिटनेस टेस्ट भी क्लियर किया होगा, लेकिन अब तक उन्होंने ये नहीं बताया इस न्यूज़ के बाद कि उनकी इंजरी किस नौयत की है। क्योंकि अगर आपको स्ट्रेन होता है तो इट मीन्स कि आपको 4 वीक्स का रेस्ट तो चाहिए ही होता है। अब ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है, अगर ग्रेड 1 से ऊपर है तो मेरा नहीं ख्याल कि वो कुछ भी इवेंट खेल सकते हैं। तो ये चीज़ अब तक क्लियर नहीं होगी कि ये जस्ट स्ट्रेन है या उनको क्रैम्प टाइप पड़ा है, तब तक हमें ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी। बट वंस अगेन ये चीज़ ज़रूर सोचनी चाहिए थी कि अगर हमारे किसी ऑलराउंडर को कुछ हो जाए तो उसका रिप्लेसमेंट कौन है। अच्छा नसीम भाई, सोशल मीडिया पर इस तरह की बातें हो रही हैं कि क्या वाकई ही इमाद वसीम इंजर्ड हैं या शादाब की वजह से उन्हें इंजर्ड करार दिया जा रहा है, ऐसी बातें भी लोग करना शुरू हो गए कि कुछ नहीं था ऐसी बस बना दिया है। मेरा नहीं ख्याल कि ऐसा हो नहीं सकता, क्योंकि अमाद इतने एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, कल वो ये बात खुद भी आके क्लियर कर देंगे कि भाई मैं फिट था और मेरी जगह पे उनको खिलाने के लिए इस तरीके की बात हुई, तो मेरा नहीं ख्याल ये चीज़ होगी। लेकिन देखिए अमाद वसीम अगर आपने देख लिया था कि वो अनफिट है, पाकिस्तान वो मुल्क है कि जिसने सबसे आखिर में अपनी टीम अनाउंस की 15 रुकनी, और हमने उस वक्त अनाउंस की थी जिस दिन एग्जैक्ट डेडलाइन थी कि भाई आज तो टीम अनाउंस करनी है, उस वक्त तक हमें ये पता चल गया था कि अमाद फिट नहीं है। बाबर आजम ने तो ये बात कही है कि इस मैच में नहीं लेकिन अगले मैच में वो फिट हो जाएंगे, अल्लाह करे वो फिट हो जाए। लेकिन हमें अगर नज़र आ रहा था कि थोड़ा सा भी डाउट है और अमेरिका की कंडीशन में जाके हमें खेलना है, देखिए इंडिया को जो एक एज दिखाई दे रही है वो हार्दिक पांड्या की सूरत में दिखाई दे रही है, ख़ासकर इस कंडीशन में कि जहां पेसर्स जो है वो मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। वो आज 3 फास्ट बॉलर से खेले, चौथा फास्ट बॉलर उनका ऑलराउंडर था हार्दिक पांड्या। पाकिस्तान को 4 फास्ट बॉलर्स के साथ ही जाना पड़ेगा जैनवन, अगर हमारे पास आमिर जमाल की सूरत में बॉलर होता या फहीम अशरफ भी इस जगह पर बहुत ही इफ़ेक्टिव हो सकते थे। अल्लाह करे कि अमाद फिट हो जाए, क्योंकि अमाद की ज़रूरत शायद हमें अमेरिका की कंडीशन में इतनी नहीं है कि जितनी ज़रूरत हमें उनकी वेस्ट इंडीज़ में पड़ने वाली है। बिल्कुल, तो और मेरे ख्याल है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट इस बात से आगाह होगी कि शायद अमाद फिट हो जाएंगे, और क्योंकि अमाद ने रिसेंट पास में बड़ी मैच विनिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, बॉलिंग उनकी बहुत अच्छी रही है, तो ये एक्सपेक्ट करें। लेकिन अगर ये अनफिट हुए तो ये एक बहुत बड़ा ब्लंडर होगा, लेकिन एक एडवांटेज हमें ये हो जाएगा, एक जो बड़ा एडवांटेज होगा वो तो ये कि अमाद नहीं रहे, अल्लाह ना करे ऐसा हो, लेकिन दूसरी चीज़ ये होगी कि फिर आपको रिप्लेसमेंट मिल जाएगी अगर इंजरी की नोयत जो है वो इस तरीके की है। इसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है कि ICC की टेक्निकल कमेटी आपको रिप्लेसमेंट देगी। ठीक है, अच्छा नसीम भाई, IPL खेलने के बाद
वर्ल्ड कप खेलना इंडिया के लिए अपशगुन हो गया है, ऐसा वहाँ के भारतीय पंडित कह रहे हैं, क्योंकि अब तक ऐसा 3 बार हुआ है कि आईपीएल खेलने के बाद जब इंडिया ने खेला है तो वो सेमीफाइनल तक भी नहीं पहुँच पाया है। तो अब ऐसा तो नहीं है कि आईसीसी इस पर भी कुछ चेंजिंग कर दे कि उनके पंडित कह रहे हैं कि भाई अभी नहीं खेलो तो थोड़ा लेट हो जाए, ऐसा कुछ चांस है? 2021 के जब आईपीएल चल रहा था वो इंडिया में इलेक्शन थे, कुछ थोड़ा सा कोविड भी हल्का फुल्का सा वहाँ पर आया था, तो उन्होंने मैचेस अपने इमारात में खेले थे जाके। आईपीएल के मोस्टली मैचेस इमारात में हुए थे और इमारात में ही वर्ल्ड टी20 था। उसी कंडीशन में खेलने के बावजूद कि जिस कंडीशन में वर्ल्ड टी20 हो रहा है, वो 10 विकेट से पाकिस्तान से हार गए थे पहला ही मैच, उसके बाद वो सेमीफाइनल के लिए भी क्वालिफाई नहीं कर सके थे। इंडियन टीम के साथ जो इस टीम में नाम बहुत बड़े बड़े दिखाई दे रहे हैं शरीफ भाई, इसका एक जो सबसे बड़ा मसला दिखाई दे रहा है इंडियन टीम का, ये राउंड मैचेस बहुत अच्छे खेलते हैं, ये राउंड मैचेस इतना डोमिनेट करके खेलते हैं कि इनसे बड़ा कोई चैंपियन ही नहीं है। लेकिन जहां नॉकआउट मैच आता है यहां वहां पे ये रीसेंट पास्ट में इनके बड़े बड़े स्टार्स पजल कर रहे हैं। आपको वर्ल्ड कप का फाइनल याद होगा, आपको चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल याद होगा, यही रोहित शर्मा थे, यही विराट कोहली थे। जहाँ पे नॉकआउट मैच आ रहा है, बड़ा मैच आ रहा है, अभी आईसीसी टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप के फाइनल में ये पहुंचे थे, ऑस्ट्रेलिया ने इन्हें आउटक्लास कर दिया था इंग्लैंड की कंडीशन में, वो फाइनल हार गए थे वर्ल्ड कप, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का, वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, चैंपियंस ट्रॉफी हारे, वर्ल्ड टी20 के अंदर इनकी परफॉर्मेंस। तो इंडिया के साथ दो मसले, एक तो ये कि वो इतना थके आ रहे हैं उनके प्लेयर्स, वो चाहे 10 बातें कर लें, 14 मैच एक टीम का खेलना मजाक नहीं होता किसी भी इवेंट में। आप जब कंटिन्यूशन में 14 मैच खेल के आ रहे हैं और 14 कॉम्पिटेटिव मैच, पैसे मिल रहे हैं उसमें बहुत ज़्यादा, उन पैसों में आदमी जान भी उतनी ही मार रहा होता है, जबकि इस दफ़ा तो हाईएस्ट वो है प्राइज मनी, तो ये भी एक चीज़ है कि लेकिन जो आईपीएल का पैसा मिल रहा है ना, ये उसके आगे ये कुछ भी नहीं। अच्छा, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। मेरी सोच ही छोटी है। मैं आपको अभी बता रहा हूँ ना, बहुत सारे उनके प्लेयर्स अगर आप उठा के देखेंगे, अब वो बाद में आ रहे हैं। मार्करम जो है वो साउथ अफ्रीका को लीड करना है, वेस्ट इंडीज ने 3-0 सीरीज मार दी, वो आईपीएल खेल रहे थे। अभी न्यूजीलैंड के 2 फास्ट बॉलर जो है वो अभी पहुंचे, उनके वो लेफ्ट आर्म बोल्ड भी अभी पहुंचे हैं और वो दूसरे उनके जो तेज बॉलर हैं वो भी अभी पहुंचे। अच्छा, ये वैसे क्योंकि आप खुद प्लेयर हैं, ये कितना मैटर करता है, ये प्लेयर्स मानते हैं इस चीज़ को, लक, लकी अनलकी, आज का दिन मेरे लिए लकी है, आज का दिन मेरे लिए अनलकी है, आज सुबह ये हो गया तो देखना गलत होगा, ऐसा होता है या नहीं? ठीक है, नहीं, ये चीज़ मैंने बहुत ज़्यादा देखी है। क्रिकेटर्स ये सोच लेते हैं कि हमने यार ये ग्रिप नहीं चेंज करनी क्योंकि इससे मैंने 100 रन किए थे, आज ये वाली शर्ट मैंने यही वाली पहनी है क्योंकि इसमें मेरे अच्छा स्कोर है। इनफैक्ट मैं पर्सनली भी कुछ इस पे बिलीव करती हूँ, आपकी चीज़ों कि मुझे कुछ नंबर सूट नहीं करते। अब तक मोजे धोए नहीं है अपने, जो पहले डेब्यू पे पहने थे वो मोजे धोए नहीं है। बहुत सारे भाई बड़े सुपरस्टिशियस होते हैं क्रिकेटर, कसम से 12 नंबर मैंने जब भी लिया उसमें मेरी परफॉर्मेंस बहुत बुरी रही है। ये मैं डोमेस्टिक की बात कर रही हूँ, तो लाइक ये मेरी अपनी एक कॉन्सेप्ट है। इनफैक्ट कि हमारी कुछ प्लेयर्स हैं वो ऐसे हैं कि लाइक अगर बॉल होने से पहले जब तक उन्होंने जाके 3 दफ़ा बैट को नीचे ड्रैग नहीं किया तब तक आके वो नेक्स्ट बॉल नहीं खेल सकते। तो क्रिकेट में लक और डे बहुत ज़्यादा मैटर करता है। समटाइम्स आप अपना बेस्ट भी दे दें लेकिन अगर आपकी लक नहीं होगी तो आपका मुश्किल से मुश्किल भी कैच हो जाएगा, और अगर आपकी लक होगी तो आप मतलब फुल टॉस पे भी आपकी विकेट बच जाएगी। मेहनत वेहनत कुछ नहीं है, बस लक नहीं, पे चलो। मेहनत है बट लक इज देयर एंड आपका डे भी। चलें जी, हेमन को 12 नंबर सूट नहीं करता डोमेस्टिक में, तो इनको बिल्कुल 12 नंबर ना दिया जाए। या वक्त एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं आज न्यूज़ की खसूसी ट्रांसमिशन। बहुत सारे सवालात हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं, बहुत सारी खबरें हमारे पास यहाँ पर मौजूद हैं। रसीम भाई, युवराज सिंह ने पाकिस्तान को भी जो है वो फाइनलिस्ट, 4 फाइनलिस्ट टीम में करा, वो कह दिया कि ये भी पाकिस्तान भी जो है वो जो 4 टीमें फाइनल पहुँचेंगी उसमें पाकिस्तान भी एक टीम होगी। और बड़े मजाही अंदाज में उन्होंने ये बात कही है कि ऑस्ट्रेलिया को नहीं देखना चाहते हैं वो फाइनल में। तो ये लोग मान रहे हैं कि जी पाकिस्तान जो अच्छी टीम है। और मैं ये बड़ा परेशान होता हूँ जब हम कभी अक्सर इंडिया की टीम की बात सुनते हैं तो पाकिस्तान को बड़ा हल्का हल्का कहते हैं, लेकिन चर्चा पाकिस्तान और इंडिया का ही होता है। अगर इतने हल्के हैं हम बखौल उनके तो फिर चर्चा क्यों होता है? किसी से आपने बात सुनी दुनिया में, ज़रा उठा के देखें, चाहे माइकल वॉन बात कर रहा होगा, डेविड हसी बात कर रहा होगा, वेस्ट इंडियन प्लेयर्स बात कर रहे होंगे, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स बात कर रहे होंगे, आपने सुना कोई बात कर रहा होगा इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया का मैच इस तारीख को होने जाना है, बहुत ही ख़तरनाक होगा? सिर्फ एक मैच डिस्कस हो रहा है और वो पाकिस्तान और इंडिया है। अगर क्रिकेट आज इतनी ग्लैमराइज है, क्रिकेट इतनी पॉपुलर है, या क्रिकेट में इतना पैसा है, तो वो पाकिस्तान और इंडिया की वजह से। अगर पहले 2 वर्ल्ड कप
इंडिया में इंग्लैंड में हुए थे, उसके बाद जो तीसरा वर्ल्ड कप था वो पाकिस्तान लेकर आए थे ये लोग। पहले तीन वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हुए थे, 83 का भी वहाँ हुआ था, 87 में पहली मरतबा पाकिस्तान और इंडिया ने मेज़बानी की थी, वहाँ से इस खेल में पैसा आना शुरू हुआ था, उससे पहले इस खेल के अंदर कोई पैसा नहीं था। और अगर युवराज ने बात की है कि पाकिस्तान सेमीफाइनल में जा सकता है, तो युवराज कोई अनोखी बात नहीं कर रहे हैं, पाकिस्तान इतनी कैपेबल टीम है। हमारी टीम अगर जिस दिन हमारी टीम 100% एक टीम बन के खेल रही होती है, एक यूनिट बन के खेल रही होती है, उस दिन वो ऑस्ट्रेलिया को भी यहाँ से पकड़ लेती है, बिल्कुल एक बिल्कुल ही मुख्तलिफ टीम हो जाती है। तो उसके लिए यही है कि पाकिस्तान टीम एक यूनिट बन जाए। और हमें ये देखें, हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन ना बहुत कमज़ोर लिंक दिखाई दे रहे हैं, हमें साइम अयूब की सूरत में एक कमज़ोर लिंक दिखाई दे रहा है। बहुत सारे वेस्ट इंडियन प्लेयर ये बात कहते हुए दिखाई दे रहे हैं कि साइम अयूब को हर हाल में खिलाना चाहिए, और मैं ये समझता हूँ कि अमेरिका का जो मैच हो रहा है इसके अंदर साइम अयूब को होना चाहिए। मेरी अपनी एक ज़ाती राय इस वजह से है कि थोड़े से बाउंसी ट्रैक है, साइम ऊपर आती हुई गेंद को ज़्यादा अच्छा खेल लेते हैं, तो और थोड़ा सा इवन, और अगर साइम ने इस मैच में रन कर दिए तो वो इंडिया के मैच में बहुत ही एक कॉन्फिडेंस के साथ जाएंगे, एक उनका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत ही मुख्तलिफ होगा। अगर युवराज ये बात कह रहे हैं कि पाकिस्तान टीम सेमीफाइनल में पहुँच सकती है तो बिल्कुल पहुंच सकती है। अच्छा, इसमें कोई शुभ नहीं। इमरान आप क्या कहती हैं, क्योंकि कल पाकिस्तान और यूएसए का मैच है, क्या कॉम्बिनेशन लेकर उतरना चाहिए? अगर हम बैटिंग की बात करें, अगर हम बॉलिंग की बात करें, कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए पाकिस्तान टीम का? देखिए, मैं तो बहुत ज़्यादा विलिंग हूँ साइम अयूब को देखने के लिए इस वर्ल्ड कप में, क्योंकि मैं हमेशा से ये बात कर रही हूँ कि जब हमने उसको सिलेक्ट किया था तो हमने इसी कॉन्फिडेंस के साथ किया था कि दिस मैन हैज़ गॉट द टैलेंट, ही हैज़ गॉट द एबिलिटी एंड ही हैज़ गॉट द करेज टू प्ले इन द पावर प्ले। तो ये उनकी बहुत अच्छी चीज़ है। आज रिकी पॉन्टिंग का एक स्टेटमेंट आया जिसमें उन्होंने ये मैंशन किया कि सब साइम अयूब का नाम ले रहे थे, तो मैंने इसकी निकाल के PSL की पुरानी बैटिंग देखी और मैं ये समझता हूँ कि ही इज़ द स्टार इन द मेकिंग, तो उसमें कोई चीज़ है। तो आप प्लेयर्स बैक करें जैसे आप शादाब खान को बैक कर रहे हैं, द ओनली डिफरेंस इज कि शादाब खान की पास में परफॉर्मेंसेज हैं, उनको उस परफॉर्मेंसेज की बेस पे बैक कर रहे हैं, लेकिन साइम अयूब ने अभी तक इंटरनेशनल क्रिकेट में उस तरह से इंपैक्ट नहीं दिया जो इस तरह से उनको देना चाहिए था, बट ही हैज़ गॉट द पोटेंशियल, उनको उनकी बैकिंग चाहिए तो उनको तो आना ही चाहिए टीम के अंदर। लेकिन इमाद वसीम का आउट हो जाना अनफॉर्चुनेट है, तो अब मे बी उस्मान खान विल प्ले ऑन नंबर 4। मेरे हिसाब से जो टीम खेलती है, मेरे हिसाब से अगर आप कहते हैं, तो मैं एक मरतबा फिर मैं बाबर को अमेरिका की इन कंडीशन पे किसी सूरत में भी ओपनर नहीं देखना चाहता। अगर आप मुझसे पूछते हैं, मैं उनको 3 नंबर पे ही देखना चाहूँगा, क्योंकि नया गेंद जितना डिफ़िकल्ट हुआ हुआ है खेलना, अल्लाह न करे शुरू के अंदर बाबर आउट हो जाते हैं तो टेक्निकली साउंड बैट्समैन हमें इस टीम के अंदर दिखाई नहीं दे रहे। साइम टेक्निकली साउंड है, जो साइम में और बाबर में एक चीज़ दिखाई देती है, रिजवान टेक्निकली साउंड नहीं है लेकिन उन्हें रन्स करने का आर्ट आता है, जो रिजवान की सबसे बड़ी खूबी है। आप रिजवान के साथ साइम अयूब आपके ओपन करें, अमेरिका के खिलाफ टीम जो हम अगर बनाते, 3 नंबर पे बाबर आके बैटिंग करें, 4 नंबर पे उस्मान आके बैटिंग करें, 5 नंबर पे आपके इफ्तिखार आके बैटिंग करें, 6 नंबर पे आपके शादाब आ रहे हैं। अब आपके पास 7, 8, 9, 10, 11 5 बच रहे हैं, 4 फास्ट बॉलर और 1 स्पिनर के साथ भी आप जा सकते हैं, क्योंकि आपको इस टीम के अंदर बहुत ज़्यादा बैटर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं। या तो आज़म खान को आप खिलाने का रिस्क लेंगे, मेरे ख्याल है आज़म को आप अमेरिका में ना खिलाएं तो ये पाकिस्तान और आज़म दोनों के लिए अच्छा होगा। अच्छा नसीम भाई, क्या बेहतर रहेगा कि पहले बैटिंग करके अच्छा खासा स्कोर करके इन्हें कम स्कोर पे आउट कर दें, या पहले बॉलिंग कर लें? पहले बैटिंग करें। देखिए मैं आपको बताऊं, अब तक जो मैं सुन रहा था, आज इंडिया ने बड़ा सरप्राइजिंग डिसीजन था कि टॉस जीतने के बाद उन्होंने फील्डिंग का फैसला किया, लेकिन आमतौर पर यहाँ पर ज़्यादातर टीमें कोशिश यही करेंगी। देखें अगर जिस तरीके की ये कंडीशन है, अगर जिस टीम ने भी पहले बैटिंग करके 130 रन बना लिए, मैं 150 की तो बात ही नहीं कर रहा हूँ, अगर सिमिलर कंडीशन हुई, यही पिच हुई, अगर भारत ने पहले बैटिंग करके 130 रन बना लिए तो पाकिस्तान के लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा 130 रन तक पहुंचना, और यही मुश्किलात फिर इंडिया को हो सकती है। ओके जी, कल अगर पाकिस्तान टॉस जीतना है तो पहले बैटिंग करनी चाहिए, नसीम भाई का ऐसा कहना है। और कल के मैच के बारे में मैं आपको बताऊंगा तब, कि ज़ाहिर है इस वक्त इंपॉर्टेंट ये मैच पाकिस्तान के लिए इस वजह से भी है क्योंकि इसके बाद जो हमारा अगला मैच है वो इंडिया में, और जितने भी इस वक्त हमने बड़ी टीम्स देखी हैं जो इस ग्रुप में हैं, उन्होंने जब स्टार्ट लिया है तो उन्होंने एक अच्छा स्टार्ट हमें देखने को मिला है। हमारी ट्रांसमिशन का वक्त खत्म हो गया, कल इंशाल्लाह ताला दोबारा मुलाकात होगी। पाकिस्तान जिंदाबाद।